एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज नैन्सी पीहू वर्ल्ड। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। आई होप यू ऑल आर वेल एट योर प्लेसेस। एंड यू आर वेरी वेलकम टू माय फर्स्ट स्टोरी वीडियो। So guys, as I have told you in my previous video that I have to convert my content, I have to change my content, and I will give you some very interesting content. And so in today's video, we are going to talking about a successful story, successful biography, and believe me, this story will be mind-blowing. So guys, as we all know that we have elected our new president of India, and she is none other than Srimati Draupadi Murmu ji. तो इंडिया की न्यू प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुई है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, एंड शी इज अ फीमेल प्रेसिडेंट। और इनके आने के बाद एक न्यू वाइब हर्सी है, कुछ डिफरेंट सा फील हो रहा है एंड बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है हम अपने इंडियन नेशन को लेके। एंड या एवरी सिंगल पर्सन इज वेरी सेटिस्फाइड विद दिस डिसीजन दैट शी विल बी आवर प्रेसिडेंट। ये भी आप सभी को पता होगा दैट शी इज अ ट्राइबल कम्युनिटी पर्सन। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि एक ट्राइबल कम्युनिटी का पर्सन यानी एक आदिवासी ट्राइब से आने वाली महिला भारत के राष्ट्रपति इलेक्ट हुए हैं, लीडिंग द कंट्री एज अ प्रेसिडेंशियल हेड ऑफ कंट्री। सो गाइज, इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट हर लाइफ स्टोरी, हर बायोग्राफी, वॉट आर द स्टेजेस ऑफ हर लाइफ टू बींग फ्रॉम अ बींग अ नॉर्मल वुमन टू बींग अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर कंट्री। मतलब कई लोगों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि प्रेसिडेंट बड़े होते हैं या प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर एक आइडियल के रूप में हमेशा से रहे हैं एंड उनका वर्क लोगों को बहुत मोटिवेट करता है। तो कुछ टाइम पे मैं भी एट द एज ऑफ 9 or 10, 9-10 साल की एज में मैं भी ये सोचती थी कि ही इज़ द वन, ही इज़ द बिगर वन, ही इज़ ऑन द बिगर पोस्ट, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बड़ा पद है, ये पोस्ट उससे ज़्यादा हाई लेवल की है। राष्ट्रपति पूरे देश का हेड होता है। लाइक हमारी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चलना, इंडिया की जनता को लेके चलना इज प्राइम मिनिस्टर्स वर्क, एंड लुकिंग इनटू ऑल द मैटर्स व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री मैटर्स और लेजिस्लेटिव मैटर्स में जो भी काम करना है या उसमें देखना है, उनको समझना है, वो काम प्रेसिडेंट का होता है। Okay, as I told you that we will talk about Draupadi Murmu's biography. So, आज हम जानेंगे उनकी personal life, उनकी life में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, एक normal woman से एक president woman बनने तक का जो सफ़र रहा, उनकी personal life, उनके relationships, उनके उनके official lines, उनके previous offices, उनका किस तरीके से उन्होंने nation को पहले serve कर रही थी और किस तरीके से आज as a president serve कर रही हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ से। शी वॉज बॉर्न ऑन 20 जून 1958 इन अरपेड़ा विलेज ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। तो गाइस, उनका जन्म 20 जून 1958 में हुआ था अरपेड़ा विलेज, जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में, यानी ओडिशा के इस विलेज और इस डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। शी वॉज फ्रॉम संताली ट्राइब। उनका ट्राइब यानी उनका जो आदिवासी ग्रुप था, ट्राइब को संताली कहते हैं। सो शी इज फ्रॉम संताली ट्राइब ऑफ ओडिशा। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि उनके फादर और ग्रैंडफादर दोनों ही विलेज हेड थे अंडर द पंचायती राज सिस्टम। सो ये अब समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है उनकी लाइफ के बारे में कि उनके खून में ही पॉलिटिक्स थी, उनके खून में ही हेड करना था, क्योंकि उनके फादर और ग्रैंडफादर दोनों विलेज के हेड थे एंड नाउ शी इज द हेड ऑफ द कंट्री। द्रौपदी मुर्मू मैरिड टू श्याम चरण मुर्मू हु इज अ बैंकर एंड हु डाइड इन 2014। सो गाइज, ये था उनकी लाइफ का एक डिप्रेसिव सेशन जब 2009 में उन्होंने अपना छोटा, उनके दो बेटे थे और हस्बैंड थे और उनकी एक बेटी थी। सो गाइज, उन्होंने 2009 में अपने छोटे बेटे यानी यंगर सन को अपने आंखों के सामने जाते हुए देखा। देन 2012 और 13 के अराउंड उनका बड़ा बेटा चला गया एंड 2014 में उनके हस्बैंड उन्हें छोड़ के चले गए। सो उनकी लाइफ का एक बहुत डिप्रेसिव सेशन था जिसमें से बाहर निकलना किसी भी नॉर्मल आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि वो नेशन को सर्व करेंगी और वो आज तक इस प्रॉमिस पे डटी हुई हैं।
उनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है इतिश्री मुर्मू, जो आज उनके साथ हैं और वही उनका एक आखिरी सहारा। पॉलिटिक्स से पहले इनका एक टीचिंग करियर भी रह चुका है। शी वॉज असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंस्टीट्यूट ऑफ रायरंगपुर। वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हैं एक इंस्टीट्यूट में और एक सेक्रेटरी रह चुकी हैं गवर्नमेंट स्कूल में। पॉलिटिकल करियर से पहले उनका एक टीचिंग करियर भी रह चुका है, जो कि बहुत ही एक अच्छी पोस्ट का करियर था, ना कि एक नॉर्मल टीचिंग करियर था, बहुत ही अच्छा करियर उनका एक टीचिंग में भी रह चुका है। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली है। सो दैट वॉज हर टीचिंग करियर। अब स्टार्ट करते हैं उनका पॉलिटिकल करियर। उनका पॉलिटिकल करियर 1997 में स्टार्ट हुआ, जब उन्होंने बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही उन्हें इलेक्ट किया गया काउंसलर ऑफ रायरंगपुर नगर पंचायत। नगर पंचायत का काउंसलर उन्हें इलेक्ट किया गया जब उन्होंने 1997 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, और 2000 में उन्हें चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया ऑफ द सेम रायरंगपुर नगर पंचायत। एंड शी वॉज एक्टिंग एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट एज द ट्राइब मोर्चा, यानी ट्राइबल मोर्चा, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए कोई मोर्चा होगा, उसके तहत उन्हें भारतीय जनता पार्टी का काउंसलर इलेक्ट किया गया। राष्ट्रपति से पहले उन्होंने कई पोजीशंस पे लीड किया है, बहुत अच्छी मिनिस्टर और गवर्नर रह चुकी है। सबसे पहले वो बनी थी मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑफ कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये उनकी पहली पदवी थी, जो कि मार्च 6 2000 से लेके अगस्त 6 2000 तक उनका ये टेन्योर टाइम था, जो कि बहुत छोटा था। नाउ मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एनिमल्स रिसोर्सेज डेवलपमेंट अगस्त 6 2002 to May 16, 2004. ये एक लंबा टेन्योर पीरियड। टिशन वॉज फॉर्मर ओडिशा मिनिस्टर। ये 2000 में इस चीज के लिए इलेक्ट हुई, फॉर्मर ओडिशा मिनिस्टर बनी एंड MLA फ्रॉम रायरंगपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 2004 में वो MLA बनी। ये उनकी कुछ चार पांच पोजीशंस थी जो कि प्रेसिडेंट से पहले उनकी लाइफ में आई। नाउ द बिगर पोजिशन, पहला तो हो गया कि वो प्रेसिडेंट बनी है, तो एक उनकी लाइफ की एक बहुत बिगर अचीवमेंट है। उससे पहले उनके पास एक बहुत अच्छी अचीवमेंट थी, वो ये थी दैट शी वाज अ गवर्नर ऑफ झारखंड। मई 18 2015 में ओथ लिया, शपथ लिया एज अ गवर्नर ऑफ झारखंड एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड, मतलब पहली महिला गवर्नर थी। साथ ही साथ शी बिलोंग्स टू अ ट्राइबल कम्युनिटी, और वहाँ ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी से आकर गवर्नर बनना, देन प्रेसिडेंट की पोजीशन पाना, दैट्स अनबिलीवेबल। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन ट्राइबल लीडर ऑफ ओडिशा टू अपॉइंट अ गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया, मतलब वो पहली ऐसी लीडर थी जो ओडिशा ट्राइबल कम्युनिटी से ली गई किसी भी स्टेट के गवर्नर को बनाने के लिए। नाउ उनका NDA का सफर कैसा रहा, यानी NDA प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट 2020 में वो नॉमिनेट हुई थी and we all know she is the winner of that nomination. 2022 Draupadi Murmu was nominated by BJP's National Democratic Alliance's candidate for the president of India. She did many state as the presidential campaign. उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को विजिट करा, अपने बारे में लोगों को बताया, लोगों को जानने की कोशिश करी। ऐसे विजिट करके उन्होंने अपने सपोर्ट को एक्सटेंड किया ताकि लोग उन्हें सपोर्ट करें, चाहे वो अपोजिशन पार्टी वाले हो। मतलब आपको पता है ना, पार्लियामेंट में लोग होते हैं, सभी लोग, जहाँ तक मुझे पता है कि सभी लोग वोट करते हैं एंड द मोस्ट वोटिंग जिसको जाती है दैट शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब हम लोग वोट नहीं करते हैं, हम लोग अपनी गवर्नमेंट को बनाने के लिए वोट करते हैं, बट नॉट फॉर प्रेसिडेंट। And in July 25, 2022, he took the oath of 15th President of India. मतलब वो इंडिया की 15वीं राष्ट्रपति हैं, और हमारा हर एक नागरिक इस चीज से अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड है कि वो हमारी प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। बात कर लेते हैं उनके अवार्ड्स के बारे में। 2007 में उन्हें निकांथा अवार्ड फॉर द बेस्ट MLA मिला था बाय द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उनके कुछ अवार्ड्स में से एक अवार्ड ये है। आज का की फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। मतलब मुर्मू जी इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्म कुमारी, मतलब ओम शांति आप लोगों ने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है सो यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब। मुर्मू जी ब्रह्म कुमारी इसका पार्ट है, और ऑल नो शी इज अनबिलीवेबल एंड अमेजिंग लेडी। तो बस स्टार्टिंग है, अभी आगे चल के पता चलेगा कि वो हमारे नेशन को किस तरीके से सर्व करेंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगी, और किस तरीके से
काम करेंगी। तो अभी हमें उनके काम के बारे में पता नहीं है, लेकिन हाँ लोगों को ट्रस्ट है, लोग बहुत खुश हैं कि हाँ वो हमारी प्रेसिडेंट हैं, लोगों को पता है कि शी विल रॉक इन दिस। सो गाइज, आई होप आपको आज की बायोग्राफी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी बायोग्राफी स्टोरीज और चाहिए सो कमेंट बिलो, टेल मी, आई विल फाइंड आउट सम मोर। अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में यही चल रहा था इसलिए मैंने इनके ऊपर बनाई है, नहीं तो मैं हर एक सिंगल पर्सन के बारे में आपको बायोग्राफी स्टोरीज शॉर्ट में ऐसे ही नॉर्मल की पॉइंट्स में शेयर करूंगी, नॉट लाइक स्टोरीज बट या बायोग्राफी विद द की पॉइंट्स। Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party.